नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना रंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल वाराणसी जायका में। दोस्तों आज मैं बिल्कुल अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ फूड एंड फन के साथ। दोस्तों वैसे तो ये मकर संक्रांति के टाइम ही बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस है, इसलिए इसे कभी भी खाया जा सकता है बना के। कुछ लोग इसे बनाना बहुत ही झंझट का काम समझते हैं दोस्तों, लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और ट्रिक और टिप्स के साथ बताऊँगी। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये पतंग वाली रेसिपी उन्हें ज़रूर बना के खिलाएगा। आशा करती हूँ कि बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अमेजिंग ट्रिक और टिप्स लेकर आई हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर हमें पट्टी बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो हमने ले लिए हैं। 20 ग्राम के करीब नारियल अच्छा ले लिया है और 150 ग्राम के करीब भुना हुआ मूंगफली है और 150 ही ग्राम के करीब भुना हुआ तिल है। इसे हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है और 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी है। दोस्तों हमें यहाँ पे 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो यहाँ पे हमने 200 ग्राम के करीब गुड़ भी ले लिया है। गुड़ को आप बहुत ही अच्छे से इसका फाइन पीस लें एकदम बारीक से। और यहाँ पे देखिए हमने आटे की एक लोई ले ली है, क्योंकि हम पट्टी को पतंग स्टाइल में बनाएंगे। दोस्तों अक्सर बच्चों को पट्टी खिलाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, बच्चे अक्सर गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हैं। तो हम बच्चों को पतंग बहुत ही पसंद होता है दोस्तों, कोई भी बच्चा हो उसे पतंग बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसे पट्टी को पतंग के स्टाइल में आज बनाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमने तिल और आधा मूँगफली बहुत ही अच्छे से पीस लेंगे। दोस्तों पीसना हमें इसलिए है क्योंकि हमारे घर में बच्चे बड़े बुजुर्ग सब होते हैं, बड़ों के दांत थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं जो ये खा नहीं पा सकते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप फाइन ग्राइंड कर लें या हल्का सा दरदरा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दरदरा सा पीस लिया है, तो आइए अब बनाते हैं। यहाँ पर हमने गुड़ को भी बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है दोस्तों। तो आइए अब आटे से पहले पतंग की डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं फटाफट से। यह रेसिपी इन खास दोस्तों के रिक्वेस्ट पर इमरान अली जी हैं, सतीश यादव जी हैं, सतीश राम जी हैं, अरुण जी हैं और मदन जी हैं, सीता कुमारी जी हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम हमारे बच्चे गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं, तो ये रेसिपी वो ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों हमने आटे की लोई से बहुत ही अच्छे से रोल बना लिया है बिल्कुल इवनली। तो आइए सबसे पहले गुड़ का घोल रेडी कर लेते हैं पट्टी बनाने के लिए, तो फिर हम पतंग डिज़ाइन करेंगे। तो हमने पैन को गर्म कर लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल के इसे बहुत ही अच्छे से पिघलने देंगे। जब घी पिघल जाए दोस्तों, तो गुड़ जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था उसको डाल के इसको गलाएंगे। गुड़ के फ़ायदे के बारे में तो सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ खास फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इससे खून की कमी को दूर किया जा सकता है, एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, छाइयों और दाग धब्बों से भी राहत मिलती है और ब्लड प्रेशर में को कंट्रोल करने में निजात मिलती है। तो देखिए अब गुड़ बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, तो इसको हम पानी में डाल के चेक करेंगे। जब ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाए तो समझिए गुड़ की चाशनी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ तिल और मूंगफली डाल के इसको चला देंगे। इसे 1 मिनट तक बहुत ही अच्छे से चलाते रहेंगे। उसके बाद जब तक कि 1 मिनट हो रहा है दोस्तों, तब तक आइए हम फटाफट से आटे के डिज़ाइन बना लेते हैं पतंग स्टाइल में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बटर पेपर बिछाते हैं। बटर के पेपर के ऊपर हम ये आटे का बना हुआ रोल से पतंग रेडी कर लेंगे फटाफट से। बटर पेपर हम इसलिए लगाएंगे दोस्तों क्योंकि पट्टी जब सख्त होगी तो बटर पेपर से इजली से छूट जाएगा। तो देखिए यहाँ बिल्कुल घोल रेडी है हमारा, तो अब इस पर गिराते हुए हम बहुत ही अच्छे से इसको फैला लेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने आटे का रोल क्यों यूज़ किया है, तो अक्सर घोल गीला होता है तो बाहर बहने का डर हो जाता है, तो अच्छे से डिज़ाइन रेडी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने किनारे से इसको कवर अप देने के लिए इस रोल को लगा दिया है। तो देखिए बड़े आराम से धीरे धीरे फैला देंगे। तो दोस्तों आइए जब तक पतंग रेडी हो रहा है तब तक हम मूँगफली के फ़ायदे के बारे में जान लें। दोस्तों अगर गुड़ के साथ मूँगफली का सेवन अगर डेली किया जाए दोस्तों, तो इसमें प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही साथ इरेक्टाइल डिफंक्शनल से जुड़ी समस्या को भी बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। दोस्तों इरेक्टाइल
डिफंक्शनल नपुंसकता से संबंधित रोग होता है। अगर तिल या गुड़ का सेवन हम डेली अपने खाने में करें तो इस रोग से निजात पा सकते हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बन रही है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए अब हम तिल के बारे में भी जान लेते हैं। तिल के फ़ायदे, दोस्तों शरीर में खून की कमी को दूर करता है। तिल में मौजूद प्रोटीन जो पूरे शरीर को भरपूर मात्रा में ताकत देता है और एनर्जी प्रदान करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी दुरुस्त रहता है, त्वचा निखरती है, बाल भी बहुत ही मजबूत होते हैं इसके खाने से, और तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है। तो देखिए अब गुड़ की चाशनी हमने बहुत ही अच्छे से फैला दी है ऊपर, तो ऊपर से मूंगफली को फैलाते हुए और दबाते जाएँ हाथों की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से। हाथों की सहायता से दबाने पे थोड़ा सा भी गर्म है दोस्तों, इसलिए बहुत ही अच्छे से नहीं दब पाएगा, तो आप चम्मच की सहायता से इसे दबा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों गुड़ ठंडा हो गया था, तो दोबारा से इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद आँखों का जो सेप था हमने हटा दिया है, फिर गुड़ को फैलाइए बहुत ही अच्छे से फैलाते हुए बिल्कुल पलटे की सहायता से। यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से नोज़ और लिप्स को बना लेंगे पतंग के। फिर उसके बाद जो आटे का हमने आँख बनाया था थोड़ा सा सेट होने के बाद उस पर रख के फिर उस पर से तिल छिड़केंगे। अब हमने जो 20 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा लिया था दोस्तों, उससे आई डेकोरेट कर देंगे और नोज़ के ऊपर और लिप्स के ऊपर लगा देंगे बहुत ही अच्छे से। तो देखिए ये पतंग अब बिल्कुल रेडी है। अभी से 2 घंटे बाद हम इसको कट करेंगे बर्फी शेप में। तो दोस्तों ये पतंग स्टाइल पट्टी की रेसिपी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख के, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टेक हेल्दी बी हेल्दी, बाय बाय।